भी जब प्रोफेशन चूज़ करने का वक्त आया तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि नहीं, गो फॉर समथिंग जिसको करके आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, यू नो, समथिंग दैट इज़ रिस्पेक्टेड, इस तरह की बातें. तो फिर आई लेट गो ऑफ दैट आइडिया. मैं शुरू से बचपन से जब भी होती थी आई यूज़ टू ड्रॉ एंड आई यूज़ टू लव इट. वो एक ये चीज़ है कि यू नो, आप डॉक्टर बन के आर्टिस्ट बन सकते हैं, लेकिन आप आर्टिस्ट बन के एक डॉक्टर नहीं बन सकते हैं. माई फादर ही हिमसेल्फ इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो बचपन से ही वॉज लाइक, यू नो, वन यू ग्रो अप आपने सी ए करना है, यू नो, एंड उनके काफ़ी ज़्यादा होप्स एंड ड्रीम्स अटैच थे विद मी. सो ऑब्वियसली इट डज़ अफेक्ट यू इन द बैक ऑफ योर माइंड कि आपको होता है कि यू नो, माई फादर वॉन्ट्स मी टू डू दिस एंड नॉट समथिंग एल्स. But now that I'm standing on my feet, now that I've done that qualification, so I think I have this opportunity to discover that side of myself, jo ki main nahi kar saki us waqt. You know, you're facing all of these hurdles. Kya log kya kahenge? Kya aap, at the end, how are you going to earn money out of this? Yes, that is a very big stereotype that does attach to this profession. Ki artists jo hain wo nahi utna kama sakte jitna ki, for example, another profession like a doctor or an engineer or a chartered accountant maybe can earn. तो अगर कोई अपना profession art बना रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नालायक है या वो bright नहीं है. एट यहाँ पे और जितने लोग बाकी जिस तरह और प्रोफेशंस के लोग हैं, जिस तरह वो कमा रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जितनी उनकी रिस्पेक्ट है उसी तरह लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं. यू हैव टू शो पीपल कि यार ये स्टीरियोटाइप जो है ये गलत है. एंड यू नो, वी शुडन बी टेलिंग आवर किड्स कि यार ये एक अच्छी फील्ड नहीं है, एंड यू नो, एक छोटी लोअर क्लास फील्ड है, इसमें नहीं जाना. आई थिंक इफ आई हैड अ चांस राइट नाउ टू गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आर्ट्स, आई थिंक आई वुड गो फॉर आर्ट्स.